कारू भाई, अगर आज मेरी टिक्कियां नहीं बिकी ना तो आज मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। अरे तू टेंशन नहीं ले यूफ्लेक्स, आज सारी की सारी टिक्कियां बिक जाएगी क्योंकि हम हमारी इंडिया के सबसे फेमस टिक्की और गोलगप्पे वाले हैं। अरे बउआ, टिक्कियां कब तक पहुंच जाए? आज हमारे घर में हमारे बटुआ की शादी है। अरे अंकल जी, तुम चिंता नहीं करो, आपको टिक्की शादी से पहले मिल जाएगी। अरे कारू भाई यार, ये महीना हो गया है और यार तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए यार। अरे तू चिंता नहीं कर, आज शाम तक तेरा हिसाब हो जाएगा। मैं हूँ करू और ये जो मेरे पीछे बंदा है ना, इसका नाम है यूफ्लेक्स और पेशे से तो हम दोनों यार गेमर है और हमारे घर वालों ने लात मार के भगा दिया क्योंकि हम गेम खेल के यार पैसा नहीं कमा पाए और ये हमारा छोटा सा घर है और हम सब कुछ घर बार छोड़ गए यार। हम लॉस सैंटोस आ गए और लॉस सैंटोस में भाई हमें नहीं पता था भाई ज्यादा कठिनाई होगी और हम भाई यहाँ पे पानी पूरी का ठेला चलाते हैं यार और साथ में टिक्कियां बेचते हैं और ये हमारा पानी पूरी का ठेला है। फिर मैं इसे फटाफट से स्टार्ट कर लेता हूँ और निकल जाता हूँ मैं रोज की तरह आज फिर से पानी पूरी बेचने के लिए। यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं और सबसे बड़े बड़े गोल वाले वहाँ पे ढेर सारे झूले भी हैं और मैं पहुंच जाता हूँ मस्त वादियों का नजारा उठाते हुए लॉस सैंटोस पीरो पेरी और यहाँ पे यार मेरा जो कस्टमर है ना भाई काफी देर से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं फटाफट से अपना ठेला लगा के इन सभी को यार अपने गोलगप्पे खिला देता हूँ और ये लड़कियाँ भी बहुत ज्यादा खुश थी, बस बोल रही थी तीखा थोड़ा ज्यादा बनाओ। और भाई कस्टमर्स की तो भाई लाइन पे लाइन लगी जा रही थी और भाई सबसे ज्यादा आज हमारा प्रॉफिट हो रहा था और भाई देखते ही देखते हमारे सारे गोलगप्पे खत्म होने वाले थे और शाम भी हो चुकी थी और भाई मैं अपनी गले में प्रॉफिट गिन रहा था और मेरा प्रॉफिट हुआ था पूरे के पूरे 5,000 रुपए का और मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था तभी भाई मेरे ठेले पे आके एक फॉर्चुनर रुकती है और उसमें से एक लड़की उतरती है और उसके साथ भाई दो दो बॉडी गार्ड होते हैं और वो मेरे पास आती है और बोलती है ओए गरीब टिक्की वाले, चल मुझे टिक्की खिलाओ, सूखी पापड़ी की चाट बना। सॉरी मैडम, सूखी पापड़ी खत्म हो गई है। क्या तू मुझे मना करेगा? तेरी औकात क्या है? तेरे ठेले को अभी कभी जला सकती हो, जानता भी है मैं कौन हूँ? सॉरी मैम, आप कल आकर खा लेना। कल तो मैं तब आऊंगी ना जब तेरा ये ठेला बचेगा। बॉयस, इसका ठेला जला दो, इसकी हड्डी पसली तोड़ दो। यस बॉस। आज तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, तुझे मैम को मना नहीं करना चाहिए था। मेरे पास आज बिल्कुल भी सूखी पापड़ी नहीं है वरना मैं दे देता। अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारो प्लीज प्लीज। आज मैं इस गरीब का ठेला चला कर ही रहूंगा। आज हमने इस गरीब को अच्छा मजा चखाया। यार बहुत टाइम हो गया यार, कारू भाई यार अभी तक आए नहीं। ऐसा तो यार पहली बार हुआ है कि वो इतना ज्यादा लेट हो गई हूँ और यार उसका मोबाइल भी आउट ऑफ रीच आ रहा है यार। कहीं कुछ हो तो नहीं गया यार? वैसे बहुत ज्यादा रात हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, जहाँ पे वो अपना ये ठेला लाता है वहाँ पे जाके चेक करता हूँ। उसने मेरे को एक बार बताया था कि वो पेरो पेरी की साइड पे अपना ठेला लगाता है। ऑल राइट यार, तो मैं यहाँ पेरो पेरी, एक सेकेंड, ये आग कैसे लगी है यहाँ पर? ये ठेला तो, एक सेकंड, मेरे को ये जाना पहचाना सा नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कारू के ठेले को किसने जला दिया? और यार एक सेकंड, ये कारू का है यार, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक मिनट, अरे ये रहा कारू, और ये कारू यहाँ पे बेहोश पड़ा है। मैं काम करता हूँ, इसके मुंह पे फटाफट से पानी के छींटे मारता हूँ। कारू भाई ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे ठेले में आग किसने लगा दी? यूफ्लेक्स भाई, लड़की ने हमारा ठेला जला दिया और मेरे को भी बहुत ज्यादा मारा उनके बॉडी गार्ड्स ने और हमारा आज का सारा कमाया हुआ पैसा भी जल गया। तू टेंशन नहीं ले कारू, हम उस चुड़ैल से बदला जरूर लेंगे, हमारा बस वक्त आने दे। तुम लोगों को क्या लगता है अब आगे क्या होगा? क्या कारू अपना बदला ले पाएगा? इस बात का खुलासा तो अब अगली वीडियो में होगा।